गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल हेमंत केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। आईयूपीएसी की आज के इस वीडियो में बात करेंगे नेमिंग ऑफ एमाइंस। कहीं भी कोई भी एमाइंस दिए हों उनकी हम नेमिंग किस तरीके से करेंगे। एमाइंस में आपका NH2 एमाइंस आपके थ्री टाइप्स के मिलेंगे, 1 डिग्री एमाइन, 2 डिग्री, 3 डिग्री। अलग अलग डिग्रियों के बेस पर अलग अलग नेमिंग आपकी होगी। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से आपको नेमिंग करनी है। यदि हमारा 1 डिग्री एमीन हो, 2 डिग्री एमीन हो, 3 डिग्री एमीन हो, तो एमीन की नेमिंग चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में। इससे पहले उम्मीद करता हूँ कि आपने सारे वीडियोज वगैरह जो है देख लिए होंगे और जो नेमिंग सीरियल से कराई गई हो उसी हिसाब से आप लोगों ने तैयार कर लिया होगा। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं नेमिंग ऑफ हमारे जो है टोटल थ्री टाइप्स के होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। तो पहले हम अब एमाइंस होते क्या हैं ये आप देखेंगे। कहीं पर भी कार्बन के साथ यदि आपका NH2 अटैच है ये आपका, तो ये हमारा 1 डिग्री कहलाएगा। यदि आपने ये 2 ले लिए, एक ऐसे यहां से रिमूव करके और आर जोड़ दिया आपने ये, तो ये हमारा 2 डिग्री। ये 1 डिग्री एमाइन, ये 2 डिग्री एमाइन। और यदि आपने यहाँ पर N ये भी H को रिमूव कर दिया, इसकी जगह कार्बन अटैच कर दिया, तो ये हो गया हमारा 3 डिग्री। तो एमाइंस आपको ध्यान रखने की टोटल हमें 3 टाइप्स के मिलेंगे, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। तो किस तरीके से इसकी नेमिंग होगी इसके बारे में चलिए बात करते हैं। इनमें जो सफिक्स होगा वो हमारा एमाइन यूज होगा। कहीं पर भी NH2 ग्रुप प्रेजेंट हो तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, एमाइन। तो देखिए जैसे आपने एग्जाम्पल लिया, ये लिया आपने CH3 CH2 NH2, तो 1 2 2 कार्बन से 2 के लिए हम एस लगाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका एथेनामाइन, एमाइन आ जाएगा एथेनामाइन। यदि आपने 3 कार्बन से ऐसे लिए, 4 ले लिए, ये आपने NH3 होगा, CH2 CH2 एंड CH2, तो 1 2 3 4 5 5 कार्बन से, तो ये होगा आपका प्रोपेनामाइन, प्रोपेनामाइन। एमाइन शब्द यूज करना है आपको सभी के लिए। और कोई सब्स्टिट्यूएंट वगैरह अटैच है, NH2 यहां पर आपने अटैच कर दिया, यहां कार्बन की कोई चेन अटैच कर दी हमने इस तरीके से, तो इसमें आप साइटिन अटैच है तो 1 2 3 4, 2 पर हमारा मिथाइल अटैच है तो लिखेंगे हम 2-methyl, 2 पर मिथाइल आ गया और कार्बन टोटल 4 है, तो ये होगा ब्यूटेनामाइन। तो ये थी हमारी इस तरीके कुछ नेमिंग 1 डिग्री एमाइंस की। यदि हमारा एमाइन 1 डिग्री है तो उसकी नेमिंग हम किस तरीके से करेंगे उसके आखिरी में आपको एमाइन यूज करना होगा। अब चलिए जैसे सेकेंडरी एमाइन दे दिया जाए, टर्सरी दे दिया जाए, तो उसकी नेमिंग हम किस तरीके से करेंगे, तो देखिए जरा कि सेकेंडरी एमाइन की नेमिंग अब 2 डिग्री एमाइन, पहले आप देखिए 2 डिग्री एमाइन हमारे होते क्या हैं, कि कहीं पर भी N के साथ में सिंगल H अटैच हो, N के साथ में सिंगल H हो और दोनों साइड आपके यानी 2 alkyl ग्रुप अटैच हो, यानी 2 कार्बन अटैच हो आपके दोनों साइड, तो 2 alkyl ग्रुप आपके अटैच होने चाहिए, तो उसे कहेंगे हम 2 डिग्री एमाइन। अब 2 डिग्री वाले केस में आप देखेंगे, कोई भी हमने एग्जांपल लिया, यहां पर रखा CH3 CH2 यहां CH2 और यहां पर आपने NH यहां लिया CH3, कुछ इस तरीके का दिया होगा। तो आप यहां देख रहे हैं कि N के साथ में सिंगल H अटैच, यहाँ पर आपने कार्बन को अटैच कर दिया और इस साइड भी आपके कार्बन से, तो दोनों साइड एल्काइल ग्रुप अटैच हैं, तो ये हो गया आपका 2 डिग्री एमाइन। 2 डिग्री एमाइन में होगा क्या कि इसमें एक तो आपकी मेन कार्बन चेन होगी जो लॉन्गेस्ट हो, जिसमें ज्यादा कार्बन हो वो हमारी मेन कार्बन चेन होगी। तो मेन कार्बन चेन आप किसको देखेंगे, जहां पर कार्बन ज्यादा हो, यहाँ 1 कार्बन है, यहाँ पर 1 2 3 3 कार्बन है,
तो ये हमारी मेन कार्बन चेन हो जाएगी। तो जो भी हमारी मेन कार्बन चेन होगी उसमें आपको एमाइन अटैच करना होगा, तो इसके लिए एमाइन लगाएंगे। और बाकी ये एजिस साइड चेन, ये हमारा एजिस सब्स्टिट्यूएंट हो गया। क्या हो गया? सब्स्टिट्यूएंट एजिस साइड चेन हो गया आपका। तो किससे अटैच है? एन के साथ, तो इसे लिखेंगे आप एन मिथाइल, एन पर मिथाइल ग्रुप आ गया। और कार्बन आपके टोटल थ्री हैं, तो ये हो जाएगा प्रोपेनामाइन, एमाइन लगा देंगे आप प्रोपेनामाइन। और जैसे आपने ये लिया C4H9, यहाँ पर N, यहाँ पर H, और यहाँ ले लिया आपने C6H30। अब इस केस में आप देखेंगे यहाँ पर कार्बन 4 है, यहाँ पर कार्बन 6 है, जिसमें कार्बन ज्यादा हो वो हमारी मेन कार्बन चेन होगी। तो ये तो मेन कार्बन चेन, मेन कार्बन चेन जो होगी उसके आखिरी में एमाइन ऐड करना होगा आपको, ये सफिश लेके चला जाएगा। ये हमारा एजिस साइड चेन किससे अटैच है? एन के साथ। तो क्या लिखा जाएगा इसके लिए? एन, और 4 कार्बन की है तो इसे लिखेंगे ब्यूटाइल, तो एन ब्यूटाइल हुआ। और 6 कार्बन से ये हो जाएगा हेक्सेनामाइन, एमाइन आ गया। और आपने यहाँ लिया C2H5, N, H, और यहाँ पर लिया आपने C5H11। अब इस केस में आप क्या देखेंगे? यहाँ पर आपके 2 कार्बन से, यहाँ पर 5 कार्बन से, तो ये तो हमारी मेन चेन हो जाएगी। जो मेन चेन होती है वो सफिक्स लेके जाती है, इसके साथ सफिक्स यूज करेंगे एमाइन। बाकी ये हमारा क्या हो गया? एजिस साइड चेन हो गया। किससे अटैच है? एन के साथ। तो लिखेंगे इसके लिए कि N 2 कार्बन से तो एथाइल, N एथाइल, और 5 कार्बन, और 5 के लिए हो जाएगा पेंटेनामाइन। तो यहाँ पर बस यही चीज आपको ध्यान रखनी है कि एमाइन हमें किस साइड लगाना होगा, क्योंकि NH के साथ में 2 हमारे एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होंगे। तो जहां पर कार्बन आपके ज्यादा, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम हो वहां पर आपका एमाइन यूज होगा, और बाकी जो चेन होगी उसके लिए एजिस साइड चेन आप यूज करेंगे। तो क्लियर हुआ? तो ये था हमारा सेकंड एमाइन लेने में। और एग्जांपल देखिए, जैसे आपने ये दोनों साइड इक्वल कार्बन ले लिए, सिमेट्रिक एमाइन ले लिया, ये आपका यहाँ पर CH3, दोनों साइड आपके इक्वल हैं, तो किसी को भी मेन चेन आप ले लें, चाहे आप इसको ले लें चाहे आप इसको ले लें, कोई मेन चेन हो जाए, क्योंकि कार्बन आपके कैसे हैं इक्वल हैं, इसको हमने मेन चेन मान लिया। तो ये हमारा क्या हो गया? एज ए साइड चेन हो गया, एज ए सब्स्टिट्यूएंट हो गया। किससे अटैच है? एन के साथ। तो इसके लिए लिखेंगे आप एम मेथाइल, एन मिथाइल हो गया, और कार्बन 1 है तो 1 के लिए लिखेंगे आप मेथेनामाइन, आपको एमाइन लगा देना है। तो ये थी आपकी नेमिंग ऑफ सेकेंडरी एमाइन। अब इसी प्रकार आप देखेंगे कि यदि हमारा एमाइन टर्शियरी गिवन हो, टर्शियरी हो, टर्शियरी वाले केस में क्या होगा? आप देखते हैं कि नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है। जब नाइट्रोजन के साथ में 2H अटैच हो, 1 एल्काइल ग्रुप हो, तो उसे कहेंगे 1 डिग्री। जब N के साथ में 1 हाइड्रोजन हो और 2 आपके एल्काइल ग्रुप अटैच हो तो होगा सेकेंडरी। और जब आपके N के साथ कोई H ना हो, तीनों आपके कार्बन अटैच हो अलग अलग, 3 एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो, 3 एल्काइल ग्रुप, यानी द एमाइन विच कंटेन 3 एल्काइल ग्रुप, देन दे आर कॉल्ड 3 डिग्री एमाइन। तो ये हमारा होगा 3 डिग्री एमाइन। अब इसके बाद देखते हैं कि 3 डिग्री एमाइन की नेमिंग हम किस तरीके से करेंगे। यदि हमारा एमाइन 3 डिग्री है तो उसकी नेमिंग क्या होगी? तो यहाँ पर भी सेकेंडरी एमाइन की तरह, कि जैसे आपने देखा कि 2 कार्बन की चेन हो गई आपकी, जो चेन आपकी लॉन्गेस्ट हो, लंबी हो, ज्यादा ज्यादा कार्बन हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम हो, वो हमारी मेन कार्बन चेन होगी, उसके आखिरी में आपको एमाइन यूज करना होगा। और बाकी जो शॉर्ट हो गई, जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे, वो हमारी है ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, साइड चेन हो जाएगा। वही यहाँ पर है, यहाँ पर N के साथ में 3 एल्काइल ग्रुप अटैच होंगे, तो जिस एल्काइल ग्रुप में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम हो उसके आखिरी में आपको एमाइन लगाना है। और बाकी बचेंगे 2 हमारे, तो 2 जो आपके एल्काइल ग्रुप होंगे उनके लिए आपको एज ए सब्स्टिट्यूएंट यूज कर देना है। जैसे सब्स्टिट्यूएंट के लिए, साइड चेन के लिए यूज करते थे, उसी तरीके से यूज करना है। तो चलिए जरा देखते हैं हम 3 डिग्री एमाइन के लिए। यदि हमने यहाँ पर CH3, यहाँ पर N, यहाँ पर आपका C2H5, और यहाँ लिया आपने C3SL,
तो आप देख रहे हैं इस आयन के साथ में तीनों डिफरेंट एल्काइल ग्रुप हैं, ये मिथाइल है, ये इथाइल है और ये प्रोपाइल है। थ्री कार्बन, यानी वन कार्बन, यहाँ टू कार्बन और ये थ्री कार्बन। तो इसमें मेन कार्बन चेन आप किसको मानेंगे जो सबसे पीछे लेके जाएगी, जो लॉन्गेस्ट हो। तो तीनों में लॉन्गेस्ट कौन सी दिख रही है, ये थ्री कार्बन है। तो ये हमारी मेन कार्बन चेन है। मेन कार्बन चेन मीन्स इसमें आपको एमाइस लगाना होगा, बाकी बचे हमारे ये टू, तो ये एज ए साइड चेन हो गए। दोनों ही किससे अटैच हैं, एन के साथ। तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में आप लिखते हैं, जैसे एज ए सब्स्टिट्यूट लिखे जाते थे, तो ये एन पर इथाइल अटैच है, तो ये हो जाएगा हमारा एन एथाइल। एन पर ही मिथाइल अटैच है, तो ये होगा हमारा एन मेथाइल, एन एथाइल एन मेथाइल। और थ्री कार्बन से, तो ये होगा प्रोपेना, प्रोपेनामाइन, एमाइन आ जाएगा। एमाइन वही एल्काइल ग्रुप लेके जाएगा जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन है। क्लियर? तो यहां पर आप देख रहे हैं कि एल की वैलेंसी 3 होती है, 3H अटैच होते हैं अमोनिया में, तीनों H को आपने रिमूव कर दिया, तीनों H को आपने हटा दिया, उसके प्लेस पर एल्काइल ग्रुप अटैच कर दिया। जब तीनों एल्काइल ग्रुप अटैच हुए इनसे, तो वो कहलाएगा हमारा टर्शियरी। टर्शियरी में एमाइन कहां पर लगाएंगे आप, जो चेन आपकी लॉन्गेस्ट हो, लंबी हो, जिसमें कार्बन आपके मैक्सिमम हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन है, तो वहां पर आपने एमाइन लगा दिया। बाकी बचे भी हमारे टू, तो वो एज ए साइड चेन यूज करेंगे आप। तो जैसे अल्फाबेटिकली ऑर्डर में साइड चेन को लिखते हैं, तो इथाइल आपका और मिथाइल, मिथाइल का पहले लेटर एम होगा, इथाइल का पहले लेटर ई होगा। ई वाले को आप पहले लिखेंगे, तो एन एथाइल हो गया। ये भी आपको इसी एन से अटैच है, तो एन मिथाइल हो गया। और कार्बन ये थ्री है, तो प्रोपेनामाइन हुआ। और चलिए देखते हैं, जैसे हमने यहाँ पर ये लिया, ये कार्बन चेन आपकी कोई, यहां पर आपने एन को अटैच किया और यहां पर हमने कर दिया CH3। अब यहां पर आप देखेंगे वैलेंस किया हमने, तो CH3 CH2 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 CH3। अब इसमें मेन कार्बन चेन किसको मानेंगे, पहले आप ये डिसाइड करिए। तो मेन कार्बन चेन आपकी ये हो जाएगी, क्योंकि इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम है, आपने काउंट किए तो इसमें टोटल 5 कार्बन है, इसमें 3 कार्बन है, इसमें 1 कार्बन है आपका। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम इस साइड चेन में, ये आपकी मेन कार्बन चेन हो गई। अब ये जो हमारे अटैच हैं, ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स हो जाएंगे, इनको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज कर दें। तो एन पर मिथाइल अटैच है, तो ये हो जाएगा आपका एन मिथाइल, एन मिथाइल हो गया। प्रोपाइल भी एन से अटैच है, तो ये लिखेंगे हम एन प्रोपाइल, प्रोपाइल, एन इथाइल मिथाइल हो गया, एन प्रोपाइल हो गया। और यहां पर कार्बन आपके 5 है, तो ये होगा आपका पेंटेनामाइन, पेंटेनामाइन एमाइन आ जाएगा। और जैसे आपने लिया, ये लिया हमने C6H13, ये N, और यहां पर लिया आपने C5H11, और यहां पर ले लिया C7H15। अब इस केस में आप क्या देखेंगे, इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपके पास ये होगी, इसमें आपको लगाना होगा एमाइन। ये दोनों एज सब्स्टिट्यूट, ये हेक्साइल है और ये हमारी पेंटाइल है। तो हेक्साइल में अल्फाबेटिकली ऑर्डर से हेक्साइल पहले आएगा, तो ये होगा एन हेक्साइल, फिर एन पेंटाइल, एन पेंटाइल हो गया। और यहां पर आप देख रहे हैं कि कार्बन टोटल 7 है, तो 7 के लिए हो जाएगा आपका ये हेप्टेनामाइड। 7 के लिए क्या लगाना है आपको, हेप का यूज करते हैं, ये हो जाएगा हेप्टेनामाइन, एमाइन लगा देंगे आप इनमें। तो एन हेक्साइल, एन पेंटाइल, हेप्टेनामाइन, जो हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी उसके साथ सफिक्स को ऐड करेंगे हम, और बाकी जो हमारे दो एल्काइल ग्रुप बचेंगे उसके लिए एज ए सब्स्टिट्यूट आप लिखेंगे। सब्स्टिट्यूट अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखे जाते हैं, उसी तरीके से आप इनको ट्रीट करेंगे। तो क्लियर हुआ? तो ये हमारी नेमिंग थी 3 डिग्री एमाइंस। तो ये आपकी नेमिंग 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। तो एमाइंस की नेमिंग काफी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप की एमाइंस आती हैं, 1 डिग्री की हो, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो, तो इसकी नेमिंग आप किस तरीके से करेंगे। तो ये थी आपकी एमाइंस की नेमिंग। और देखिए जाए एग्जाम्पल्स, आपने ये लिया, और यहां पर एन, यहां पर हमने अटैच कर दिया
सीएल कर दिया और यहाँ पर हमने बीआर कर दिया, ये हो गया। अब ये तो हमारी ये मेन कार्बन चेन हो जाएगी, इसमें तो एमाइन आपको यूज करना ही करना है। लेकिन आप यहाँ एक चीज देख रहे हैं कि इस एन के साथ में एल्काइल ग्रुप के प्लेस पर एल्काइल ग्रुप नहीं है, आपके ये हैलोजन्स वगैरह लग गए। तो यहाँ पर अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखते हैं क्या लिखेंगे, ये होगा आपका एन ब्रोमो और एन क्लोरो और थ्री कार्बन से तो फोर कार्बन से तो ये होगा ब्यूटेनामाइन, ब्यूटेनामाइन एमाइन आ गया। और जैसे यहां पर आपने लिया C5H11 और ये हो गया आपका N, यहां ले लिया हमने CH3 और यहां पर आपने ले लिया Br। अब यहां पर क्या लिखेंगे आप, ये तो हमारी मेन कार्बन चेन हो जाएगी, इसके आखिरी में तो आपको एमाइन लगाना होगा। बचे हमारी ये एल्काइल ग्रुप, ये एक एल्काइल ग्रुप है और ये हमारा हैलाइड लगा हुआ, तो ये दोनों क्या होगा एज ए साइड चेन। तो ये साइड चेन में अल्फाबेटिकली ऑर्डर में किसको पहले देगी आपकी रेटी, Br को, ये होगा आपका एन ब्रोमो और इसके बाद एन मिथाइल, एन पर ही मिथाइल आ गया और फाइव कार्बन से हैं तो फाइव के लिए हम लगाते हैं पेंट, तो ये होगा पेंटेनामाइन, पेंटेनामाइन। तो ये थी हमारी नेमिंग ऑफ एमाइंस, कहीं पर भी आपका एमाइन दिया हो, कहीं पर कोई साइड चेन गिवन हो तो इस तरीके से आपको इसे कर लेना। 1 डिग्री एमाइन है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, सबके लिए एमाइन यानी इसके लिए सफिक्स होगा और एमाइन उसी कार्बन चेन के साथ रहेगा जो कार्बन चेन आपके लॉन्गेस्ट हो, उसके साथ आपको हमेशा एमाइन लगाना है। बाकी जो दोनों बचेंगे वो हमारे एज ए सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे। और जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल वगैरह जो प्रैक्टिस करेंगे इसकी, ये मेन प्रैक्टिस पर ही डिपेंड करेगा, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा आपके आएंगे, तो ये सब प्रैक्टिस पर डिपेंड करेंगे, खूब प्रैक्टिस करिए इसकी। जैसे आपने ये लिया, यहां पर आपका N, ये आपने डबल बॉन्ड ऐसे लगा दिया और यहां पर आपने H को चेंज कर दिया, ये आपका एन अटैच हो गया। अब इसके लिए आपको क्या लिखना है, ये तो हमारी मेन चेन हो जाएगी, इसमें तो एमाइन आप लगा देंगे, ये आपका 1 और 2 हो गया, 1 और 2, तो ये 1 पर हमारा ये लगा हुआ है, कार्बन चेन में 1 2 3 थ्री कार्बन है, थ्री कार्बन, तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे एन प्रोपाइल, एन प्रोपाइल हो गया और फिर 1 पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो 1 इन हो गया, 1 इन और 1 पर ही हमारा ये एमाइन लगा हुआ है तो 1 एमाइन। मेन कार्बन चेन उसी को लेंगे आप जिसमें आपका डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो ये मेन कार्बन चेन हो जाएगी। अब 3 कार्बन से इसके लिए तो एन प्रोपाइल हो गया आपका, ये 2 कार्बन है, 2 कार्बन तो 2 के लिए डबल बॉन्ड लगा हुआ है, इसके लिए पहले आप एथ लेते हैं 2 के लिए, तो 2 के लिए आपने ये एथ लिख दिया, एथ हो गया। अब यहां पर आप देख रहे हैं 1 पर डबल बॉन्ड है तो 1 इन हो गया, 1 पर ही ये लगा हुआ है तो ये हमारा 1 एमाइन हो गया। अब आप जानते हैं कि कहीं पर भी ई और ए दोनों एक साथ आ जाए तो पहली वाली ई क्या होती है, हट जाती है, तो ये यहां लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये आप इस तरीके एग्जाम्पल दिया हो तो आपको नंबरिंग कैसे करनी है। और जैसे आपने ये लिया, यहां पर एन, यहां सी कर दिया, यहां पर एच कर दिया, तो इस केस में आप क्या करेंगे, पहले आप देखेंगे कौन सा एमाइन है, इस एन के साथ में यहां पर हमारा ये आर अटैच है एल्काइल ग्रुप और यहां पर ये एल्काइल ग्रुप है, एन के साथ में सिंगल एच लगा हुआ था, ये हमारा हो गया 2 डिग्री एमाइन, 2 डिग्री एमाइन में ये तो हमारा क्या हो गया मिथाइल हो गया, तो लिखेंगे हम N मेथाइल, N पर मेथाइल ग्रुप आया और कार्बन 1 2 3 3 के लिए लगाएंगे प्रोप, तो ये होगा आपका प्रोपेनामाइन, एमाइन आ जाएगा आपका,
इस तरीके से आपको जो है इसकी नेमिंग करनी है, कहीं पर भी कोई भी हमारा एमआई लगा हो उसकी नेमिंग आप किस तरीके से करेंगे। तो ये था आपका नेमिंग ऑफ एमआई, वन डिग्री हो चाहे टू डिग्री हो चाहे थ्री डिग्री हो, तीनों के लिए आपका सेम। वन डिग्री में आपका वन एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होगा, नाइट्रोजन के साथ में टू एच अटैच होंगे, और सेकेंडरी में आपके टू एल्काइल ग्रुप अटैच होंगे, मतलब टू एल्काइल ग्रुप होंगे वन एच होगा, और थ्री डिग्री में तीनों एच आपके नहीं होंगे, एच के प्लेस पर कोई भी आपके मेंबर्स आ जाएंगे यहाँ पर। तो इस तरीके से ये हमारी नेमिंग थी वन डिग्री टू डिग्री और थ्री डिग्री एमाइंस की, बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। तो ये हम इसकी प्रैक्टिस करते रहिए और एग्जाम्पल लगाते रहिए, एक्सरसाइज करते रहिए। ओके, ऑल द बेस्ट।